कश्मीर के बड़गाम में बुधवार को MI-17 क्रैश हुआ था। उसमें कानपुर का लाल दीपक पांडे शहीद हो गया। दीपक पांडे का पार्थिव शरीर थोड़ी देर में उनके आवास पर लाया जाएगा अंतिम दर्शन के लिए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य खुद पहुंच रहे हैं यहाँ पर, परिवार को सांत्वना देंगे। कल देर रात दीपक पांडे का शव कानपुर पहुंचा, जिसके बाद से इंडियन आर्मी के अधिकारियों ने उनको श्रद्धांजलि दी। आज भावभीनी श्रद्धांजलि होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि बैरिगेटिंग भी लगाई जा रही है, लॉ एंड ऑर्डर को भी ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासनिक अमले भी मुस्तैद है। हर आंख नम है, पूरा हुजूम उमड़ा हुआ है शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए। ये वो दीपक पांडे का घर है जहाँ पर हुजूम उमड़ा हुआ है। आप देखिए कि यहाँ पर काफ़ी लोग आए हुए हैं, पूरा हुजूम है, प्रशासनिक अधिकारी नेतागण सब लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो थोड़ी देर में दीपक पांडे का पार्थिव शरीर उनके आवास पर लाया जाएगा, जिसमें अंतिम दर्शन करने के बाद यहाँ से सिद्धनाथ घाट में उनका दाह संस्कार पूरे राजकीय सम्मान और सैनिक सम्मान के साथ किया जाएगा। भारत कानपुर।